नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। नवगठित मऊगंज जिले में बिजली की व्याप्त समस्या को लेकर के हनुमान नगर के वार्ड नंबर 7 मोटबा पर ट्रांसफार्मर के जल जाने के कारण ना बदलने को लेकर आक्रोशित नगर परिषद के नागरिकों ने मंडलम कांग्रेस अध्यक्ष वीरेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष सोनू आशुतोष गुप्ता को कहा गया कि अगर एक हफ्ते में नगर के विद्युत तार बदले नहीं गए तो नगर परिषद की बिजली का बिल नहीं जमा होगा और ना ही लाइट काटने देंगे। वहीं युवा कांग्रेस जिला महासचिव नीलेश केसरी ने जमकर हनुमना जेई की कमियों को गिनाया। वहीं पूर्व में 26 जनवरी को दिए गए ज्ञापन का निदान न करने पर मंडलम अध्यक्ष वीरेन्द्र मिश्रा ने जेई को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान भारी संख्या में वार्ड नंबर 7 व नगर परिषद हनुमना के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। इस दौरान लोगों की मांग रही कि बिजली व्यवस्था सही कर बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू की जाए। आक्रोशित लोगों का आरोप था कि लगातार अधिकारियों को दी जा रही जानकारी के बावजूद भी विद्युत व्यवस्था सही नहीं की जा रही है, जिससे आज आक्रोशित लोगों ने कार्यालय का घेराव किया और व्यवस्था को सुधारने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। वार्ड नंबर 13 में 5-6 बंदे गए होते हैं, 5-6 नंबर कहा लगा तो कल आवेदन दे जाएंगे कि भाई क्यों गए तमाशा बना के बैठा है यार। डेली का नियम बनाया है, लोहे वाली केबिल नहीं, 10 लोगों का फोन हमारे पास आए कमलाकांत के घर मैं आपसे करूंगा ही नहीं क्यों आपसे बात मैं हूँ और वहाँ जनता नहीं रहती है, वहाँ जानवर रहते हैं, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आपके नजर में मुझे बोलने दीजिएगा महोदय। दूसरी बात, आप बोलते हैं बिल नहीं जमा है, जिसका बिल 300 आ रहा था उसका बिल 3000 आ रहा है। आप बोलते हैं लोड ऑटोमेटिक बढ़ गया, तो ऑटोमेटिक लोड किसने बढ़ाया? बिजली विभाग ने बढ़ाया। कोई गरीब आदमी उसका आमदनी बढ़ गया क्या? एक कोई आमदनी बढ़ा लिया आपने? नहीं बढ़ाया है। नहीं, आप बताइए, सुनिए ये मीटर, आपका मीटर सुनिए, दो दो मीटर लगा के दिखाता हूँ आपको, दोनों में अलग अलग मीटर रीडिंग आती है, मालूम है आपको?